A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Real analysis में Riemann integration के बारे में हम पढ़ रहे थे. Last video में Riemann integration के बारे में मैंने आपको बताया था कि lower Riemann integration और upper integration कैसे निकाला जाता है. किसी भी integration में अगर किसी भी function को integrate करना है तो उसमें lower integration अपर इंटीग्रेशन दोनों की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. वो सारी कंडीशंस हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं. कुछ लोअर सम अपर सम और लोअर और अपर इंटीग्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी इसके पिछले वीडियो में हमने करे थे. तो जो वीडियोस स्टार्टिंग से अगर आप वो वीडियोज़ देख नहीं पाए तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं दे दूंगा. आप वहाँ से स्टार्टिंग से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं. अगर आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके समझ में भी आएगा. आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है. एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ इसमें इंटीग्रेशन का, जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा गया है. इस न्यूमेरिकल को देखते हैं और इसी न्यूमेरिकल पे बेस्ड दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने जा रहा हूँ. दोनों न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट सेम है और इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन मैं जिस तरीके से करूँगा उसी तरीके से आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. तो आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है जो क्लोज इंटरवल 0, a में डिफाइंड है. a की वैल्यू 0 से बड़ी है. आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल होता है तो इस तरीके से उसको सिंबलाइज किया जाता है और आपको उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकालनी है. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये r इंटीग्रेबल होगा और उसके साथ साथ इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आपको निकालनी है. तो किसी भी इंटीग्रेशन को लोअर इंटीग्रेशन और अपर आर इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको LPF और UPF की वैल्यू चाहिए थी. LPF क्या था, लोअर रिमेंसम, और UPF क्या था, अपर रिमेंसम. और LPF और UPF में P क्या था, पार्टीशन था. तो सबसे पहले हमको एक पार्टीशन इसका डिफाइन करना पड़ेगा. तो पार्टीशन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ. पी इज इक्वल टू, देखो जो पार्टीशन मैं लेने जा रहा हूँ ये सेम पार्टीशन आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से लेना है. 0 a upon n, 2 a upon n, इस तरीके से 3 a upon n, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा. rth सब इंटरवल हमको चाहिए होता है तो r-1 a upon n, r a upon n, और लास्ट हो जाएगा n a upon n, ताकि ये कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाए, ए बन जाएगा जो हाईएस्ट वैल्यूज की है. बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0, a. हियर आरएथ सब इंटरवल क्या बनेगा इसका, r-1 a upon n और r a upon n. आरएथ सब इंटरवल पहले, ये सेकंड वाले में भी आपको इसी तरीके से लेना है. हमको क्या निकालना है, एम आर क्या होती है, इन्फिमम ऑफ एफ इन आर एथ सब इंटरवल, और कैपिटल एम आर क्या था, सुप्रीमम ऑफ एफ इन आर एथ सब इंटरवल. इन्फिमम सुप्रीमम काफ़ी डिटेल में पहले के वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ आपको. तो इसमें देखिए आप, जो इस इंटरवल की बात करें, आर एथ सब इंटरवल की बात करें, तो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यूज़ आप फंक्शन में रखते रहेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी इसमें, जब आप इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी. तो एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सबसे छोटी वैल्यू को आप यहाँ रखिए तो क्या बन जाएगा, ये आर माइनस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. कैपिटल एम आर जो है इस सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ये इन्फिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की और ये क्या हो गई, सुप्रीमम वैल्यू. निकालते हैं LPF. LPF क्या होता था, समीशन ऑफ MR डेल XR. अब देखिए MR जो है वो कितना आ रहा है, r-1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. और डेल XR क्या होता है, डेल XR होता है rth सब इंटरवल की लेंथ. इसकी लेंथ अगर हम निकालेंगे तो इस हायर वैल्यू से इसको माइनस करना पड़ेगा. तो आर ए अपॉन एन, एन तो एल से आ जाएगा, माइनस आर ए और प्लस ए,
ये आर ए से आर ए कैंसिल हो गया, तो डेल एक्स आर, यानी कि इस सब इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई, ए अपॉन एन। तो ये हो जाएगा आपका, ए क्यूब को बाहर लिख लेते हैं, समीशन ऑफ आर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, ये वैल्यू हो गई एल पी एफ की। अब आपको वैल्यू निकालनी है यू पी एफ की। यू पी एफ में क्या होगा, कैपिटल एम आर आता है, तो इसका स्क्वायर ये है, समीशन ऑफ आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और लेंथ कितनी आ रही थी इंटरवल की, ए अपॉन एन। तो ये हो जाएगा ए क्यूब समीशन आर स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो ये हमने इसका लोअर सम और अपर सम दोनों वैल्यूज़ को निकाला। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वन टू एन, और आर इक्वल टू वन टू एन, ये भी हो गया। तो आपको पार्टीशन लेना है, एक पार्टीशन इस वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से पार्टीशन लेना है। आर एच सब इंटरवल ये हो गया इस केस में, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फंक्शन के इस सब इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को आप यहाँ रख दोगे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, और सुप्रीमम वैल्यू में भी यहाँ क्यूब आ जाएगा, करना उसी तरीके से है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ फिलहाल। तो जो एल पी एफ था हमारा, इसमें ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, और ये हो रहा है समीशन ऑफ आर माइनस वन का स्क्वायर आर इक्वल टू वन टू एन। आपके फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा होगा, सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के स्क्वायर का फॉर्मूला होता था, अगर के इक्वल टू वन टू एन है तो के प्लस वन, 2k+1 अपॉन 6, ये वैल्यू होती थी किसकी, ये क्लास 11th में सम ऑफ सीरीज आपने पढ़ा होगा, समीशन ऑफ सीरीज में ये फॉर्मूला हुआ करता था k स्क्वायर का। ये फॉर्मूले को अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, k की जगह पे कितना आ रहा है आर माइनस वन, तो पहला टर्म आएगा। देखिए इसको इस फॉर्म में ना लिख करके हमको क्या लिखना होता था, एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो है इसके n तक जा रही है। तो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो जो फॉर्मूले में k स्क्वायर मैंने लिखा है, उस k स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे r माइनस वन का स्क्वायर आ रहा है, तो ये बनेगा r माइनस वन की जगह पे पहले टर्म आएगा n माइनस वन, फिर n प्लस वन, n प्लस वन का मतलब n माइनस वन प्लस वन, और 2n+1 का मतलब हो गया 2n-1+1 अपॉन 6। तो वन से वन कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, एन माइनस वन इंटू एन, और ये हो जाएगा 2n-2+1, 2n-1 अपॉन 6। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, एल पी एफ की। इसी तरीके से यू पी एफ निकालते हैं। यू पी एफ में आप देखिए ए क्यूब अपॉन एन क्यूब आ रहा है, और यहाँ तो आर स्क्वायर है, इसको तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6, ये यू पी एफ की वैल्यू होगी। अब सीधे लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो लोअर इंटीग्रेशन को किससे डिनोट किया था हमने, बार लगा था नीचे एफ, तो इसका फॉर्मूला होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एल पी एफ, ये फॉर्मूला पहले भी बताया था मैंने। एल पी एफ आप देखिए ये आ रहा है, और इसमें ए क्यूब अपॉन 6 तो हम बाहर लिख लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये है एन माइनस वन एन 2n-1 और अपॉन में एन क्यूब, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। तो लोअर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन 6 लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें से n कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी n कॉमन लेते हैं, तो n यहाँ से कॉमन, और एक n यहाँ आ जाएगा, तो n क्यूब बन जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1-1 अपॉन n, और 2-1 अपॉन n अपॉन में क्या है n क्यूब, इससे कैंसिल हो गया, ए क्यूब अपॉन 6, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो 1-0, 2-0, तो ये हो गया ए क्यूब अपॉन 6 इंटू 1 इंटू 2, कितना आ जाएगा ए क्यूब अपॉन 3। तो लोअर इंटीग्रेशन हमने निकाला 0 to a f, ये लोअर इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई।
अब आते हैं अपर इंटीग्रेशन में। अपर इंटीग्रेशन को इस तरीके से हमने डिनोट किया था, एफ इसका फॉर्मूला है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू पी एफ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू पी एफ हमने निकाला हुआ है ए क्यूब अपॉन सिक्स, बाहर लिख लेते हैं ए क्यूब अपॉन सिक्स। और क्या क्या बच रहा है, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब। उसी तरीके से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ से भी हम एन कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब अपॉन सिक्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन, एक एन यहाँ से एक एन यहाँ से, एन क्यूब यहाँ हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन, और टू प्लस वन अपॉन एन अपॉन एन क्यूब, एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल, लिमिट अप्लाई करते हैं ए क्यूब अपॉन सिक्स वन प्लस जीरो और टू प्लस जीरो, तो ये भी कितना आ गया ए क्यूब अपॉन थ्री। तो आप देखिए यहाँ पे लोअर इंटीग्रेशन अपर इंटीग्रेशन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो लोअर और अपर इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है, हियर लोअर इंटीग्रेशन जीरो टू ए अपर इंटीग्रेशन जीरो टू ए दोनों इक्वल आ रहे हैं, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है ए क्यूब अपॉन थ्री। अगर लोअर और अपर इंटीग्रेशन दोनों इक्वल आ रहे थे तो वो फंक्शन क्या था, आर इंटीग्रेबल था जीरो और ए के इंटरवल में। और अगर कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल होता है तो उस केस में अगर आपको जीरो से ए फंक्शन की वैल्यू निकालनी तो वो वैल्यू वही होगी जो आपको इंटीग्रेशन में मिली हुई है ए क्यूब अपॉन थ्री। तो ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप डायरेक्टली देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट लगाएंगे तो ये फिर से वही आएगा जो इंटीग्रेशन हम नॉर्मली करते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें एक्स क्यूब आ रहा है, आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है। यहाँ पे जो जहाँ पे स्क्वायर हमने लगाया था आर माइनस वन का स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो उसके जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, बस ये फॉर्मूला आपको चेंज करना है, बाकी पूरा प्रोसीजर वही है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कराया। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस इसी तरीके से कंटिन्यूसली आते रहेंगे रीमैन इंटीग्रेशन पे। थ्योरम्स अभी काफ़ी बची हुई हैं, थ्योरम्स हम देखेंगे बाद में।